गया है, उसका जायजा लेते हुए प्रधानमंत्री यहां पर नजर आ रहे हैं। बेलगावी एयरपोर्ट की हम तस्वीर यहां देखें, तमाम वो जो एयरपोर्ट्स जिनका आज उद्घाटन होना है उनका जायजा लेते हुए प्रधानमंत्री यहां नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री एयरपोर्ट अथॉरिटी और NHAI के प्रोजेक्ट्स की जो प्रदर्शनी है उसका अवलोकन उन्होंने किया, आप देख सकते हैं। और ये एयरपोर्ट्स कैसे कनेक्टिविटी के लिहाज से एक नई गति देंगे इन तमाम राज्यों को, उस लिहाज से आज का दिन उत्तर प्रदेश के लिए बेहद अहम। हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, देखिए इसमें श्रावस्ती एयरपोर्ट की भी प्रदर्शनी में तस्वीर लगी हुई है। हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं डाइस पर। भारत माता की, सभी देवरोध है अपने स्थान पर बैठ जाएं। आजमगढ़ की इस पावन धरती पर विकास के इस महाकुंभ में 34,700 करोड़ की नगर विमानन, रेलवे, जल शक्ति, शहरी आवासन, ग्राम्य विकास की 782 विकास परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण समारोह में हम माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। उत्तर प्रदेश के लिए आज विशेष दिन है। आजमगढ़ के साथ साथ 5 हवाई अड्डों की सौगात आज माननीय प्रधानमंत्री जी देंगे और साथ ही साथ लखनऊ के साथ साथ नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन करेंगे। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि आजमगढ़ के ODOP ब्लैक पॉटरी का एक उपहार माननीय प्रधानमंत्री जी को देकर उनका स्वागत और अभिनंदन करें। उत्तर प्रदेश की प्रगति से राष्ट्र के विकास को गति दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री, माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी। मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि अपने उद्बोधन से अतिथियों का स्वागत करने की कृपा करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए अहर्निश लगे हुए दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का आज ऋषि मुनियों, साहित्यकारों, कलाकारों की इस पावन धरा आजमगढ़ में आगमन हुआ है। मैं आप सभी आजमगढ़ वासियों की ओर से, प्रदेश वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, प्रदेश सरकार में मंत्रीगण श्री सूर्य प्रताप शाही जी, श्री AK शर्मा जी, श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, श्री ओम प्रकाश राजभर जी, श्री दारा सिंह चौहान जी, आजमगढ़ के लोकप्रिय सांसद श्री दिनेश लाल यादव निरोहुआ जी, मंच पर उपस्थित अन्य सभी सम्मानित पदाधिकारी और जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित बहनों और भाइयों, आज हम सबका सौभाग्य है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन
आजमगढ़ की इस धरती पर हुआ है और आजमगढ़ हम सब जानते हैं आज से 10 साल पहले 7 साल पहले आजमगढ़ की पहचान क्या थी। जिस आजमगढ़ को पिछली सरकारों के कारण अपराध और माफिया गतिविधियों का गढ़ बना दिया गया था, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसी आजमगढ़ में आकर के यहां पर मनी की बौछार कर रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देने के लिए आजमगढ़ आए हैं। आजमगढ़ को पिछले 10 वर्ष के अंदर न केवल सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण देने के लिए बल्कि विकास और आधुनिक और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जोड़ने के लिए आजमगढ़ को लोक कल्याणकारी उन विभिन्न योजनाओं के साथ जोड़ने के लिए हम सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आज हम सब इस बारे में जानते हैं कि पिछली बार प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ था 22,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बने हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो आज आजमगढ़ के विकास की एक धुरी बन चुकी है, जिसने पूर्वी उत्तर प्रदेश के अर्थव्यवस्था को एक नई पहचान देने का कार्य किया है। वह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आज आजमगढ़वासी जब यहां से राजधानी लखनऊ के लिए जाता है तो मात्र 2 घंटे की दूरी में वहां उन्हें लखनऊ पहुंचाने का कार्य करती है। आज गोरखपुर में आज यहां पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आजमगढ़ के एयरपोर्ट का भी उद्घाटन होने जा रहा है। एयरपोर्ट पे वायु सेवा इसके साथ ही प्रारंभ भी हो जाएगी। उत्तर प्रदेश को 5 नए एयरपोर्ट आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्राप्त होने जा रहे हैं। इन 5ों एयरपोर्ट में वायु सेवा की बेहतरीन सुविधा प्राप्त हो, यह डबल इंजन सरकार ने प्रयास किया है। उत्तर प्रदेश और देश के अंदर जो प्रधानमंत्री जी ने पहले कहा था कि अब हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा करेगा, आज वह उत्तर प्रदेश और देश के अंदर देखने को मिल रहा है। बहनों और भाइयों, हम सब इस बारे में जानते हैं जिस उत्तर प्रदेश में मात्र 2 एयरपोर्ट इससे पहले सक्रिय थे, क्रियाशील थे, आज उसी उत्तर प्रदेश में 9 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील हैं और 5 नए एयरपोर्ट और आज प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उद्घाटन होने जा रहे हैं। और पूरे देश के अंदर ऐसे अन्य नए एयरपोर्ट भी आज उद्घाटन होने जा रहे हैं। कई वर्षों से मांग थी, कई दशकों से मांग थी आजमगढ़ का अपना एक विश्वविद्यालय भी हो, और आज से 1000 वर्ष पहले अपने सार और पराक्रम से विदेशी हुकूमतों की और विदेशी आक्रांतों की चूलों को हिलाने वाले महाराजा सुहेलदेव के नाम पर बने विश्वविद्यालय का भी उद्घाटन आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। आजमगढ़ इससे पहले डबल इंजन की सरकार ने आजमगढ़ में आजमगढ़ की कला को एक नई पहचान देने के लिए हरिहरपुर में एक संगीत महाविद्यालय के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। तो साथ ही साथ आज आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए स्थानीय उत्पाद जिन्हें
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में पूरे देश के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक पहचान दी है। ब्लैक पॉटरी या फिर मुबारकपुर की रेशमी साड़ी, इन सभी को भी पिछले 7 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा एक नई पहचान प्राप्त हो रही है। श्रमिकों के बच्चों के लिए भी जो सुविधा प्राप्त हुई है अटल आवासीय विद्यालय के माध्यम से, आजमगढ़ में वह भी बनकर के तैयार हुआ है। यानी जो आजमगढ़ पहले जहां के नाम से लोग भयभीत होते थे, आज वह आजमगढ़ अपनी कला के लिए, अपनी शिक्षा और साहित्यकारों के लिए, अपनी विकास की एक नई पहचान के लिए पूरे देश और दुनिया के अंदर पहचान बना रहा है। और यह सब संभव हो पाया है प्रधानमंत्री मोदी जी के योग्य मार्गदर्शन और नेतृत्व के कारण, जिसने आजमगढ़ को फिर से उसकी पुरातन पहचान को दिलाया है। और यही कार्य उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है और यही पूरे देश के अंदर भी आज हर भारतवासी इस बात को स्वीकार करता है। एक नए भारत का दर्शन देश कर रहा है। आज प्रदेश के अंदर तमाम रेल की नई परियोजनाओं की सौगात भी प्रदेशवासियों को प्राप्त हो रही है और साथ ही साथ राष्ट्रीय राजमार्गों के भी एक नई सौगात प्रदेशवासियों को प्राप्त हो रही है। होली के पहले हजारों करोड़ रुपए की का उपहार उत्तर प्रदेशवासियों के लिए, इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी मैं आपका प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करते हुए मैं आज के इस अवसर पर आप सबका आह्वान करूंगा कि बहनों और भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन आज आजमगढ़ में हुआ है। आजमगढ़ काशी और गोरखपुर के बीच एक महत्वपूर्ण स्थल के रूप में उभरा है। आजमगढ़ को विकास की नींव महत्वपूर्ण योजनाओं के माध्यम से एक नई पहचान मिल सके, जो पिछले 10 वर्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और पिछले 7 वर्ष के अंदर प्रदेश में डबल इंजन सरकार के कारण ये चीजें तेजी के साथ आगे बढ़ी है, वह तो हुआ ही है। लोक कल्याण की तमाम अन्य योजनाओं को भी अकेले आजमगढ़ में हर गरीब को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिले, 11,30,000 आयुष्मान के कार्ड अकेले इस जनपद में बने हैं, किसान सम्मान निधि में 7.5 लाख किसानों को 1,940 करोड़ रुपए अब तक आजमगढ़ जनपद में प्राप्त हो चुके हैं, उज्ज्वला योजना में 3 लाख लाभार्थियों को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन भी प्राप्त हुए हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्रामीण क्षेत्र में 1,10,000 लाभार्थियों को और शहरी क्षेत्र में 17,000 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना में एक एक आवास उपलब्ध करवाने का कार्य हुआ है। तो जल जीवन मिशन में भी 4,20,000 से अधिक घरों को हर घर नल की योजना किसे जोड़ने का कार्य हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन में 5,20,000 परिवारों को एक एक शौचालय प्राप्त हुआ है और आजमगढ़ जनपद के युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना में अब तक 1 लाख से अधिक युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने का कार्य, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की युवाओं से संबंधित सभी योजनाओं को केंद्रित किया गया है, इसका भी उपहार यहां पर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, ये डबल इंजन की सरकार आज बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, समाज के हर तबके को उपलब्ध करवा रही है। यह डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नौजवानों की आजीविका की चिंता कर रही है तो आपकी आस्था को भी सम्मान देने का कार्य कर रही है, सुरक्षा का बेहतर वातावरण बना रही है
तो समृद्धि के मार्ग पर भी आपको आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। और इसीलिए जन जन से की आवाज आ रही है 2024 में फिर एक बार मोदी सरकार की इस आवाज के साथ आजमगढ़, लालगंज और घोसी भी जुड़ेगा। इस आह्वान के साथ मैं एक बार फिर से प्रदेशवासियों की ओर से, आप सभी आजमगढ़ के बहनों और भाइयों की ओर से, मऊ जनपद के अपने बहनों और भाइयों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को 34,000 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात आज देश को और उत्तर प्रदेश वासियों को देने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हुए उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय। सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि बटन दबाकर 34,700 करोड़ की 782 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने की कृपा करें। बटन के दबते ही विकास के नए युग का प्रारंभ। जनमानस की आकांक्षाओं और सपने को उड़ान के लिए एक नया आकाश। भारत में विकास अब सड़कों पर दौड़ेगा, पटरियों पर चलेगा और आसमान पर उड़ेगा। आज जिन एयरपोर्ट्स का उद्घाटन या नए टर्मिनल का शुभारंभ किया जा रहा है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन या शिलान्यास हुआ, उसी पर एक फिल्म आइए देखते हैं। विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए देश भर में आधुनिक एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण मोदी सरकार की गारंटी है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में देश में संचालित हवाई अड्डों एवं हवाई यात्रियों की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है। भारतीय हवाई अड्डों की यात्री वहन क्षमता में भी 2.5 गुना बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ता एविएशन सेक्टर भारत की ओवरऑल ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को भी गति दे रही है। देश में आज नए हवाई अड्डों का निर्माण और मौजूदा हवाई अड्डों का विस्तार किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आज लगभग 9,800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 12 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं 3 परियोजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है। लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत से विकसित उत्तर प्रदेश के 5 हवाई अड्डे अलीगढ़, आजमगढ़,
चित्रकूट, मुरादाबाद तथा श्रावस्ती यात्री सेवा के लिए तैयार है। ये प्रत्येक हवाई अड्डा प्रतिवर्ष लगभग 1,00,000 यात्रियों को सेवा प्रदान करने में सक्षम है। साथ ही लखनऊ हवाई अड्डे में 2,400 करोड़ रुपए की लागत से नए एकीकृत टर्मिनल भवन का विकास किया गया है, जो प्रतिवर्ष 80,00,000 यात्रियों को सेवा प्रदान करने में सक्षम है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर हवाई अड्डे के राजमाता विजया राजे सिंधिया टर्मिनल एवं जबलपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवनों का विकास लगभग 912 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। महाराष्ट्र के पुणे एवं कोल्हापुर हवाई अड्डों में लगभग 750 करोड़ रुपए की लागत से नए टर्मिनल भवनों का निर्माण किया गया है। पंजाब के आदमपुर हवाई अड्डे में भी 115 करोड़ रुपए की लागत से नए टर्मिनल भवन का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही 4,600 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट के वर्तमान T1 टर्मिनल का उन्नयन किया गया है। इन परियोजनाओं से इन हवाई अड्डों की यात्रियों को सेवा देने की वार्षिक क्षमता में 6 करोड़ की उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इसके साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आज 900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से आंध्र प्रदेश के कड़पा तथा कर्नाटक के हुबली एवं बेलगावी हवाई अड्डों के नए टर्मिनल भवनों की परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया जा रहा है। इन हवाई अड्डों से प्रतिवर्ष 95,00,000 यात्रियों को सेवा प्रदान करने की क्षमता में बढ़ोतरी होगी। इन परियोजनाओं से हवाई संपर्कता बेहतर होगी, पर्यटकों को उन्नत यात्री सुविधाओं का लाभ मिलेगा तथा क्षेत्र के उद्योग एवं अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी, जो माननीय प्रधानमंत्री के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। सड़कें गति से प्रगति का सबसे बड़ा माध्यम है। सड़कें अपने साथ शुरू करती हैं विकास की एक अनवरत यात्रा, लाती हैं रोजगार, नए उद्योग धंधे, बेहतर कृषि संसाधन और सुगम यातायात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश बन रहा है एक्सप्रेस प्रदेश। चहुं ओर हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण एवं विकास के इसी क्रम में आज उत्तर प्रदेश के सड़क नेटवर्क को समृद्ध बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से 11,475 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी गरिमामयी उपस्थिति में हम आपको ये बताते हुए अपार हर्ष का अनुभव कर रहे हैं कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 2 के महत्वपूर्ण परियोजनाओं को नियत समय में पूर्ण किया गया है, जिनका लोकार्पण आज आपके कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। इनके अंतर्गत 5,205 करोड़ रुपए की लागत से संगम नगरी प्रयागराज को कानपुर से जोड़ती राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के चकेरी से प्रयागराज खंड का 6 लेन में निर्माण पूर्ण किया गया है, जो कि दिल्ली कोलकाता कॉरिडोर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और देश और प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए विशेष महत्व रखता है। इसी क्रम में पश्चिमी उत्तर प्रदेश को विकास की मुख्य धारा में आगे लाने और हरियाणा से उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए 1253 करोड़ रुपए की लागत से पानीपत से शामली खंड का 4 लेन में निर्माण पूर्ण किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, इन परियोजनाओं के लोकार्पण के साथ ही आज राजमार्ग निर्माण की 3 अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास भी आपके कर कमलों द्वारा किया जा रहा है, जिनमें 2901 करोड़ रुपए की लागत से NH119 के मेरठ नजीबाबाद खंड का 4 लेन में निर्माण, 1470 करोड़ रुपए की लागत से NH24B के रायबरेली प्रयागराज खंड का 4 लेन में निर्माण, रामपुर शहर को बाईपास करते हुए 646 करोड़ रुपए की लागत से रामपुर रुद्रपुर खंड के वेस्टर्न साइड स्पर का 4 लेन में ग्रीन फील्ड में निर्माण प्रारंभ किया जा रहा है। राजमार्गों की इन परियोजनाओं के निर्माण से उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी के नए आयाम विकसित होंगे। इससे उद्योग धंधे, पर्यटन एवं कृषि क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही निवेश के नए द्वार भी खुलेंगे। आज उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार
डबल स्पीड से राजमार्गों के निर्माण से एक सुनहरे भविष्य की कहानी लिख रही है और ये सब मुमकिन हो रहा है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरगामी सोच और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कर्मठ नेतृत्व से। आज रेलवे और उत्तर प्रदेश की जिन विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया उस पर आधारित एक फिल्म आइए देखते हैं। समग्र विकास की दोगुनी रफ्तार, हो रहा है विकसित भारत का निर्माण। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन विकसित भारत के अनुरूप देश निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर है। हमारे लिए हर प्रोजेक्ट भारत के नवनिर्माण का माध्यम है। जैसे एक एक ईंट से बुलंद इमारत बनती है, वैसे ही ऐसे हर प्रोजेक्ट से भव्य भारत की इमारत बन रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में नए भारत का नया उत्तर प्रदेश भी लिख रहा है समग्र और समावेशी विकास की नई कहानी। समग्र विकास की इसी श्रृंखला में आज यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की गरिमामयी उपस्थिति में रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग और ग्रामीण कनेक्टिविटी के साथ ही नमामि गंगे, अर्बन अफेयर्स, उच्च शिक्षा को नए आयाम देने वाली 34,700 करोड़ की 782 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया जा रहा है। जनपद आजमगढ़ में 108 करोड़ रुपए से निर्मित महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय स्थानीय युवाओं को उच्च शिक्षा में नई दिशा देगा। 11,500 करोड़ रुपए से निर्मित 5 राष्ट्रीय राजमार्ग की परियोजनाएं और 8,200 करोड़ रुपए की 12 रेलवे की परियोजनाएं करोड़ों नागरिकों के आवागमन को बनाएंगी सुगम और सुरम्य। रेलवे की इन विकास परियोजनाओं में रेलखंडों का दोहरीकरण एवं विद्युतीकरण, आमान परिवर्तन के साथ ही नई बड़ी लाइन और रेल सेवा का संचालन शामिल है। बेहतर कनेक्टिविटी की यह विकास यात्रा आज ग्रामीण परिवेश को भी दे रही है नए आयाम। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 3,700 करोड़ रुपए से निर्मित 744 ग्रामीण सड़कें 59 जनपदों में ग्रामीण विकास को करेंगी सुनिश्चित। 5,342 किलोमीटर की इन सड़कों का निर्माण ग्रामीण प्रगति और समृद्धि का बनेगा आधार। कनेक्टिविटी के साथ ही ईज ऑफ लिविंग के क्षेत्र में नया उदाहरण पेश कर रही है लाइट हाउस परियोजना। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप यह परियोजना गरीबों को नई तकनीक और तेजी से बनने वाले आपदा रोधी और टिकाऊ घर करा रही है उपलब्ध। लाइट हाउस परियोजना के अंतर्गत 265 करोड़ रुपए से लखनऊ में 1,040 और झारखंड के रांची में 1,008 फ्लैटों का उच्चतम तकनीक व सभी बुनियादी सुविधाओं के साथ कराया गया है निर्माण। गरीब परिवारों को किफायती, आरामदायक एवं सुरक्षित घरों का मिल रहा है उपहार। नेक्स्ट जनरेशन आवासीय अवस्थापना के साथ ही जन जन की आस्था का केंद्र मोक्षदायिनी गंगा की स्वच्छ, निर्मल और अविरल धारा को यशस्वी प्रधानमंत्री जी के विजन से मिला है नया जीवन, नई स्फूर्ति। नमामि गंगे के अंतर्गत 1,114 करोड़ रुपए की 3 सीवरेज परियोजनाएं प्राणदायिनी गंगा की धारा को बनाएगी स्वच्छ और निर्मल। यशस्वी प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से शुरू हो रही ये थी नए उत्तर प्रदेश और नए भारत की तस्वीर। आज ही गाजीपुर से तड़ीघाट रेलवे की बड़ी लाइन का शुभारंभ हो रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि गाजीपुर दिलदाल नगर ट्रेन का हरी झंडी दिखाकर उसे रवाना होने का आदेश दें। गाजीपुर तड़ीघाट रेलवे की बड़ी लाइन का शुभारंभ। गाजीपुर अपने गंतव्य की ओर रवाना, माननीय प्रधानमंत्री महोदय के आशीर्वाद के साथ हरी झंडी का इशारा पाते हुए जोरदार तालियां। इस नई शुरुआत
बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। देश की प्रतिभा और सामर्थ्य को सम्मान देकर 140 करोड़ भारतीयों के मन में विकसित भारत के स्वप्न को संकल्प में बदला है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि अपने मार्गदर्शन से हमें अनुग्रहित करें आपकी जोरदार तालियों के साथ। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधान परिषद के सदस्य श्रीमान भूपेंद्र चौधरी जी, उत्तर प्रदेश सरकार के सभी आदरणीय मंत्रीगण, सांसदगण, अन्य महानुभाव और आजमगढ़ के मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज आजमगढ़ का सितारा चमक रहा है। एक जमाना था जब दिल्ली से कोई कार्यक्रम हो और देश के अन्य राज्य उसके साथ जुड़ते थे। आज आजमगढ़ में कार्यक्रम हो रहा है और देश के अलग अलग कोने से हजारों लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो हजारों लोग जुड़े हैं, मैं उन सब का भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज केवल आजमगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश के विकास के लिए कई विकास परियोजनाओं का यहां से शुभारंभ हो रहा है। जिस आजमगढ़ को देश के पिछड़े इलाकों में गिनते थे, आज वही देश के लिए विकास का नया अध्याय लिख रहा है। आज आजमगढ़ से कई राज्यों में करीब 34,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट, उसका लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। आजमगढ़ के साथ साथ श्रावस्ती, मुरादाबाद, चित्रकूट, अलीगढ़, जबलपुर, ग्वालियर, लखनऊ, पुणे, कोल्हापुर, दिल्ली और आदमपुर, इतने सारे एयरपोर्ट्स पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन हुआ है और इन टर्मिनल्स के लिए कितनी तेजी से काम हुआ है, इसका एक उदाहरण ग्वालियर का विजया राजे सिंधिया एयरपोर्ट भी है। ये एयरपोर्ट सिर्फ 16 महीने की अवधि में बनकर तैयार हो गया है। आज कड़प्पा, बेलगावी और हुबली, ये तीन हवाई अड्डों पर नए टर्मिनल भवनों का शिलान्यास भी किया गया है। ये सारे प्रयास देश के सामान्य मानवी के लिए हवाई जहाज की यात्रा को और ज्यादा सहज
और सुलभ बनाएंगे। लेकिन साथियों, आप देखिए पिछले कई दिनों से मेरे समय की मर्यादा के कारण मैं एक ही स्थान पर से देश के अनेकों प्रोजेक्ट का लोकार्पण कर रहा हूं। और जब लोग सुनते हैं कि देश में एक साथ इतने एयरपोर्ट, एक साथ इतने रेलवे स्टेशन, एक साथ इतने हवाई अड्डे, एक साथ इतने IIM, एक साथ इतने एम्स, लोग अचरज हो जा रहे हैं। और कभी कभी पुरानी जो सोच रहती थी ना, तो इसको भी उसी चौखट में बिठाते हैं और क्या कहते हैं, अरे भाई ये तो सब चुनाव का मौसम है ना। अरे मेहरबान, चुनाव के मौसम में पहले क्या हुआ करता था? पहले की सरकारों में बैठे हुए लोग जनता की आंख में धूल झोंकने के लिए घोषणाएं कर देते थे। कभी कभी तो इनकी हिम्मत इतनी होती थी कि पार्लियामेंट में भी रेलवे की नई नई योजनाएं घोषित कर देते थे, बाद में कोई पूछने वाला नहीं। और जब मैं एनालिसिस करता तो 35 साल पहले घोषणा हुई, कभी चुनाव के पहले पत्थर गाड़ देते थे आकर के, फिर खो जाते थे, पत्थर भी खो जाते थे, नेता भी खो जाते थे। यानी सिर्फ घोषणाएं होना। और मुझे याद है जब 2019 के वर्ष में मैं कोई भी योजना घोषित करता था या शिलान्यास करता था तो पहला हेडलाइन यही बनता था कि देखो भाई ये तो चुनाव है इसलिए हो रहा है। आज देश देख रहा है मोदी दूसरी मिट्टी का इंसान है। उन्नीस में भी जो हमने शिलान्यास किए वो चुनाव के लिए नहीं किए थे, आज उसको धरातल पर उतरते हुए देख सकते हैं, उद्घाटन कर चुके हैं। और आज 24 में भी कोई मेहरबानी करके इसको चुनाव के चश्मे से न देखें, ये विकास की मेरी अनंत यात्रा का अभियान है और मैं 2047 तक 100 विकसित भारत बनाने के संकल्प के लिए तेज गति से दौड़ रहा हूं, तेज गति से देश को दौड़ा रहा हूं। दोस्तों, आजमगढ़ का इतना प्यार, इतना स्नेह देश भर के लोग आज जुड़े हुए देख रहे हैं, आपका ये उत्साह देख रहे हैं। और मैं देख रहा हूं पीछे जितने लोग अंदर पंडाल में हैं उससे ज्यादा धूप में तप रहे हैं। भैया ये प्यार अद्भुत है। साथियों, एयरपोर्ट, हाईवे और रेलवे से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ पढ़ाई, पानी और पर्यावरण से जुड़े विकास कार्यों को भी यहां नई गति मिली है। इन विकास परियोजनाओं के लिए मैं उत्तर प्रदेश और देश के सभी राज्यों की जनता को बधाई देता हूं। मैं विशेष रूप से आजमगढ़ के लोगों का आभार व्यक्त करता हूं, वो इतनी बड़ी संख्या में हमें आशीर्वाद देने आए हैं। और आजमगढ़ के मेरे भाई बहन, मोदी की एक और गारंटी सुन लीजिए, बताऊं आजमगढ़ के मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आपको एक और गारंटी देता हूं, सुनाऊं? आप बताएं तो बताऊं? देखिए, ये कल का आजमगढ़ अब वो गढ़ है, ये आजन्मगढ़ है।
ये आजन्मगढ़ विकास का गढ़ रहेगा, आजन्म रहेगा, अनंत काल तक ये विकास का गढ़ बना रहेगा, ये मोदी की गारंटी है दोस्तों। साथियों, आज आजमगढ़ में एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। यहां से लेकर विदेश तक जे भी आजमगढ़ का रहने वाला हो, सबके आज बहुत खुशी मिलत हुई। ये पहली बार नहीं हो, एकरे पहले जब हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कहीं तो आजमगढ़ के सब आदमी कहत रहे कि अब लखनऊ में जहाज से उतर के हमन यहां 2.5 घंटा में आ जाब। अब तो आजमगढ़ में आपन जहाज उतरे का ठिकाना हो गेल। एकरे अलावा मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी बने के कारण पढ़ाई और दवाई के इंतजाम के लिए भी बनारस जाए का जरूरत कम पड़ी। साथियों, आपका ये प्यार और आजमगढ़ का ये विकास जातिवाद, परिवारवाद और वोट बैंक के भरोसे बैठे इंडी गठबंधन की नींद उड़ा रहा है। पूर्वांचल ने दशकों तक जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति देखी है और पिछले 10 वर्षों में ये क्षेत्र विकास की राजनीति भी देख रहा है और 7 साल से योगी जी के नेतृत्व में उसे और गति मिली है। यहां के लोगों ने माफिया राज और कट्टरपंथ के खतरों को भी देखा है और अब यहां की जनता कानून का राज भी देख रही है। आज यूपी में अलीगढ़, मुरादाबाद, चित्रकूट और श्रावस्ती में जैसे जिन शहरों को नए एयरपोर्ट टर्मिनल्स मिले हैं, उन्हें कभी यूपी का छोटा और पिछड़ा शहर कहा जाता था, उनकी कोई पूछने वाला नहीं था। अब यहां भी हवाई सेवाएं शुरू हो रही है क्योंकि इन शहरों में तेजी से विकास हो रहा है, यहां औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार हो रहा है। जिस तरह हमारी सरकार जन कल्याण की योजनाओं को मेट्रो शहरों से आगे बढ़ाकर छोटे शहरों और गांव देहात तक ले गई, वैसे ही आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के काम को भी हम छोटे छोटे शहरों तक ले जा रहे हैं। छोटे शहर भी अच्छे एयरपोर्ट, अच्छे हाईवे के उतने ही हकदार हैं जितने ही बड़े मेट्रो शहर हैं। और भारत में जो तेजी से अर्बनाइजेशन हो रहा है, उसका जो प्लानिंग 30 साल पहले होना चाहिए था वो नहीं हुआ। हम उसी को ध्यान में रखते हुए आज टीयर 2 टीयर 3 सिटी उनकी ताकत बढ़ा रहे हैं ताकि अर्बनाइजेशन रुके नहीं और अर्बनाइजेशन
एक अवसर बन जाए, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास का यही विजन डबल इंजन की सरकार का मूल मंत्र है। साथियों, आज आजमगढ़, मऊ और बलिया को कई रेलवे प्रोजेक्ट्स की सौगात मिली है। इसके अलावा आजमगढ़ रेलवे स्टेशन का भी विकास किया जा रहा है। सीतापुर, शाहजहांपुर, गाजीपुर, प्रयागराज, आजमगढ़ और कई दूसरे जिलों से जुड़ी रेल परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी हुआ है। प्रयागराज रायबरेली, प्रयागराज चकेरी और शामली पानीपत समेत कई हाईवे का लोकार्पण शिलान्यास भी अभी मैंने किया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 5000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों का लोकार्पण हुआ है। ये बढ़ती हुई कनेक्टिविटी पूर्वांचल के किसानों के लिए, यहां के नौजवानों और उद्यमियों के लिए एक सुनहरा भविष्य लिखने जा रही है। साथियों, हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिले। आज पहले की तुलना में कई गुना बढ़ी हुई एमएसपी दी जा रही है। गन्ना किसानों के लिए भी इस साल लाभकारी मूल्य में 8% की वृद्धि की गई है। अब गन्ने का लाभकारी मूल्य 315 रुपये से बढ़कर 340 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। आजमगढ़ तो गन्ना बेल्ट में गिना जाता है। आप लोगों को याद है ना कि कैसे इसी उत्तर प्रदेश में जो सरकार चलाते थे ना, वो गन्ना किसानों को कैसे तरसाते थे, कैसे रुलाते थे, उनका पैसा ही तरसा तरसा कर दिया जाता था और कभी कभी तो मिलता भी नहीं था। ये भाजपा की सरकार है जिसने गन्ना किसानों का हजारों करोड़ का बकाया खत्म कराया है। आज गन्ना किसानों को सही समय पर गन्ने का मूल्य मिल रहा है। गन्ना किसानों की मदद के लिए सरकार ने और भी नए क्षेत्रों पर बल दिया है। पेट्रोल में मिलाने के लिए गन्ने से इथेनॉल बनाया जा रहा है। खेत में जो पराली है उससे बायोगैस बन रही है। इसी यूपी ने चीनी मिलों को कोड़ियों के दाम बिकते और बंद होते देखा है। अब चीनी मिलें भी शुरू हो रही हैं और गन्ना किसानों का भाग्य भी बदल रहा है। केंद्र सरकार जो पीएम किसान सम्मान निधि दे रही है, उसका लाभ भी यहां के किसानों को मिला है। अकेले आजमगढ़ के ही करीब 8 लाख किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के 2000 करोड़ रुपए मिले हैं। साथियों, इतने बड़े स्तर पर विकास की इतनी तेज रफ्तार तभी मुमकिन होती है जब सरकार सही नियत और ईमानदारी से काम करती है। भ्रष्टाचार में डूबी परिवारवादी सरकारों में इतने बड़े पैमाने पर विकास कार्य असंभव था। पिछली सरकारों में आजमगढ़
और पूर्वांचल ने पिछड़ेपन की तकलीफ ही नहीं उठाई, बल्कि उस दौर में यहां की छवि खराब करने में भी कोई कमी नहीं छोड़ी गई। और योगी जी ने अभी बहुत बढ़िया वर्णन किया है, इसमें रिपीट नहीं कर रहा हूं। जिस तरह पहले की सरकारों में यहां आतंक को, बाहुबल को संरक्षण दिया गया, वो पूरे देश ने देखा है। इस परिस्थिति को बदलने के लिए यहां के युवाओं को नए अवसर देने के लिए भी डबल इंजन सरकार लगातार काम कर रही है। हमारी सरकार में यहां युवाओं के लिए महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय की नींव रखी गई, उसका शुभारंभ भी किया गया। आजमगढ़ मंडल के हमारे युवाओं को लंबे समय से शिक्षा से लिए बनारस, गोरखपुर या प्रयागराज जाना पड़ता था। बच्चों को दूसरे शहर पढ़ने के लिए भेजने पर मां बाप पर जो आर्थिक बोझ पड़ता है वो भी मैं समझता हूं। अब आजमगढ़ का ये विश्वविद्यालय हमारे युवाओं के लिए उच्च शिक्षा के रास्ते को आसान करेगा। आजमगढ़, महू, गाजीपुर और इसके आसपास के कई जिलों के बच्चे इस यूनिवर्सिटी से शिक्षा ग्रहण करने आ सकेंगे। आप लोग बताइए, ई यूनिवर्सिटी बन जाए से आजमगढ़ मऊ वालन के फायदा होई के ना। साथियों, उत्तर प्रदेश देश की राजनीति भी तय करता है और उत्तर प्रदेश देश का विकास भी दिशा तय कर रहा है। यूपी में जब से डबल इंजन सरकार आई है, यूपी की तस्वीर और तकदीर दोनों बदले हैं। आज उत्तर प्रदेश केंद्रीय योजनाओं को लागू करने में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्यों में है। इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं उत्तर प्रदेश का सांसद हूं, आंकड़े बोल रहे हैं, हकीकत बता रही है कि आज उत्तर प्रदेश अग्रिम पंक्ति में आके खड़ा हो गया है। बीते वर्षों में डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश में लाखों करोड़ रुपए के विकास कार्य कराए हैं। इससे ना सिर्फ यूपी का इंफ्रास्ट्रक्चर बदला है, बल्कि युवाओं के लिए लाखों नए अवसर बने हैं। आज यूपी की पहचान रिकॉर्ड मात्रा में आ रहे निवेश से हो रही है। आज यूपी की पहचान ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी से हो रही है। आज यूपी की पहचान एक्सप्रेसवे के नेटवर्क और हाईवे से हो रही है। यूपी की चर्चा अब बेहतर कानून व्यवस्था को लेकर हो जाती है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का जो सदियों पुराना इंतजार था वो भी पूरा हो गया है। अयोध्या, बनारस, मथुरा और कुशीनगर के विकास के इससे यूपी में पर्यटन भी बहुत तेजी से बढ़ा है, उसका लाभ पूरे राज्य को मिल रहा है। और यही गारंटी 10 साल पहले मोदी ने दी थी। आज आपके आशीर्वाद से वो गारंटी पूरी हो रही है। साथियों, उत्तर प्रदेश जैसे जैसे विकास की बुलंदियों को छू रहा है, तुष्टीकरण का जहर भी कमजोर पड़ रहा है। पिछले चुनाव में आजमगढ़ की जनता ने भी दिखा दिया कि परिवार के लोग जहां अपना गढ़ समझते थे, वो दिनेश जैसा एक नौजवान उसे ढहा देता है। इसलिए परिवारवादी लोग इतने बौखलाए हुए हैं, आए दिन मोदी को लगातार गाली दे रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि मोदी का अपना परिवार नहीं है, ये लोग भूल जाते हैं कि मोदी का परिवार
देश की 140 करोड़ की जनता ये मोदी का परिवार है और इसलिए आज हिंदुस्तान के हर कोने से आवाज हो रही है, हर कोई कह रहा है मैं हूं। इस बार भी यूपी की पूरी सफाई में आजमगढ़ को पीछे नहीं रहना है और मैं ये जानता हूं, मैं ये अच्छी तरह जानता हूं कि आजमगढ़ जोन चा जाला ऊ कर ले वाला, इसलिए मैं इस धरती से यही आह्वान करता हूं, जो देश कह रहा है, जो उत्तर प्रदेश कह रहा है, जो आजमगढ़ कह रहा है, उसी का मैं आह्वान करता हूं, अब की बार 400 पार, अब की बार आज के विकास कार्यों के लिए सभी क्षेत्रों के लोगों को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। इतने सारे विकास कार्य आजमगढ़ के इतिहास की पहली घटना है, ये विकास का उत्सव है। मैं आप लोगों से एक आग्रह करता हूं, मेरी बात मानोगे? सब लोग जरा पूरे आवाज से बताइए तो मैं बताऊं, मेरी बात मानोगे, करोगे? अच्छा, ऐसा करते हैं, पहले अपना मोबाइल फोन बाहर निकालिए, मोबाइल फोन बाहर निकाल करके उसकी फ्लैश लाइट चालू कीजिए, सबके सब अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू करें, इधर मंच वाले भी करें अगर मोबाइल फोन रखते हैं तो, सबके सब अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट चालू कीजिए, देखिए ये विकास का उत्सव है, ये है विकास का उत्सव, ये है विकसित भारत का संकल्प, ये है विकसित आजमगढ़ के विकास का संकल्प। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए और आजमगढ़ की इस धरती पर विकास का एक नया अध्याय शुरू कर इतिहास रचने के लिए। जोरदार तालियों के प्रणाम के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति अपनी कृतज्ञता अर्पित करें और उन्हें विदा दें। भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अब की बार 400 पार, अब की बार मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी का।